इधर संसद के बाहर नाश्ते पर चर्चा चली और साइकिल से संसद नापने की कोशिश हुई, तो उधर संसद में भी रोज की तरह आज भी शोर ही शोर सुनाई दिया। वहीं महंगाई, जासूसी कांड और वही किसानों के मुद्दे पर आज भी संसद चली कम रुकी ज्यादा। लेकिन इस शोर शराबे के बीच मालूम चला कि पिछले 10 दिनों में सरकार ने संसद में 12 विधेयक पास करा लिए। अब विपक्ष पूछ रहा है कि जब संसद में काम ही नहीं हुआ तो 12 विधेयक बगैर चर्चा के कैसे पास करा लिए गए, विधेयक है या फिर चाट पापड़ी। सदस्यगण, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, जाइए अपनी अपनी सीट पर और किसानों के मामले में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाइए। आप चर्चा नहीं करना चाहते, सवाल नहीं करना चाहते, ना अपील का असर ना दलील का असर, परंपराओं का अपमान कर रहे हैं। प्लीज जाइए अपनी अपनी सीट पर और किसानों के मामले में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाइए। बस विपक्ष का शोर और संसद में हंगामे का जोर। वो अगर भारत सरकार को अवेलेबल हो जाएगी तो उसके बाद भारत पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों पर विरोध ऐसा कि संसद की कार्यवाही चल ही नहीं पा रही। हर रोज की तरह आज भी सदन शुरू होते ही नारेबाजी का शोर गूंज उठा। क्या लोकसभा और क्या राज्यसभा, दोनों सदनों में जमकर शोर शराबा हुआ। स्पीकर बार बार शांति बनाए रखने की अपील करते रहे लेकिन असर कुछ भी नहीं हुआ। सदस्यगण, मंत्री महोदय, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और आज किसानों पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, माननीय, आप अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजें, किसानों के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करें, सरकार की जवाबदेह तय कर सके और किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद संसद में विपक्ष के विरोधी तेवर कम नहीं हो रहे। विपक्ष के इस रुख पर आज पीएम मोदी ने भी नाराजगी जताई और बीजेपी संसदीय दल की बैठक में इसे लोकतंत्र का अपमान बता दिया। बड़ी मात्रा में पैसा बर्बाद हो रहा है, लोगों के जो पैसा से ये चलता है लोकसभा और लोकतंत्र, इसका बहुत बड़ा बर्बादी कर रहे हैं। हमने बार बार ये कह रहे, आज प्रधानमंत्री जी ये भी कहा कि शुरू से हम कह रहे हैं हम चर्चा के लिए तैयार है और एक माहौल बनाने का कोशिश चल रहा है कि बिल इज ऑफ गवर्नमेंट और बाकी जो है ठीक है, बाकी भी चर्चा हम करने के लिए था, बाकी अपोजिशन का, इट इज नॉट करेक्ट। सदन में जारी हंगामे के बीच सरकार ने कुछ जरूरी बिल भी पास कराए हैं जिसे लेकर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करके तंज कसा है। डेरेक ओब्रायन ने लिखा, संसद के मानसून सत्र के पहले 10 दिनों में मोदी और शाह बेहद जल्दबाजी में दिख रहे हैं। 12 विधेयकों को पारित करवाया गया है, बिल पास हो रहे हैं या चाट पापड़ी बना रहे हैं। जनता के लिए पास बिलों की ऐसी तुलना सरकार को नागवार गुजरी और डेरेक ओब्रायन पर पलटवार करते हुए प्रहलाद जोशी ने उन्हें बंगाल की याद दिला दी। आई एम आस्किंग व्हाट इज हैपनिंग, इवन नॉट वन टू फुल डेज दे हैव कंडक्टेड दिस सेशन इन वेस्ट बंगाल एंड दे आर टीचिंग अस डेमोक्रेसी। पेगासस जासूसी मामले में विपक्ष सरकार को घेर रहा है लेकिन बीजेपी की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि नीतीश कुमार के बाद अब जीतन राम मांझी ने भी पेगासस कांड की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर विपक्ष जांच की मांग कर रहा है तो जांच होनी चाहिए। हम लोग नीतीश कुमार में विश्वास देते हैं और विश्वास रखते हैं और सार्वजनिक रूप में कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो भी काम करेंगे, जो भी स्टेप लेंगे, उसके साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर है। सदन के भीतर और बाहर हंगामा किसानों के मुद्दे पर भी जारी रहा। अकाली सांसद और मोदी सरकार में मंत्री रह चुकी हरसिमरत कौर संसद के गेट पर बैनर पोस्टर के साथ तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रही थी। हरसिमरत हर आने वाले सांसदों को गेहूं की बाली देकर किसानों के साथ एकजुटता दिखाने का संदेश दे रही थी। और ना ही इधर संसद के अंदर हम एडजर्नमेंट मोशन के ऊपर हर रोज 12 दिन से दे रहे हैं, एडमिट करके चर्चा करके सारे हाउस की सहमति लेके कि ये क्यों वापस होने चाहिए, वो हमारी यहाँ पे आवाज कुचली जा रही है। हालांकि कृषि कानूनों पर विरोध का मोर्चा थामे ऐसे विपक्षी नेताओं को कृषि मंत्री ने किसान यूनियन जैसा बता दिया, जिनके पास बातचीत के लिए कुछ भी नहीं।
कांग्रेस सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा करने को तैयार नहीं है। विपक्ष की स्थिति भी किसान यूनियन जैसी हो गई है, प्रस्ताव कुछ है नहीं और सदन को बाधित करना ही एकमात्र रास्ता उनको सूझता है। उधर विपक्ष कह रहा है कि सरकार कह तो बहुत कुछ रही है लेकिन बातचीत शुरू नहीं कर रही। आज अगर गतिरोध चल रहा है संसद के अंदर, उसकी पूरी जवाब जिम्मेवारी सरकार की है। दिल्ली से अशोक सिंघल और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।